दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आप सभी को वेलकम है चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे क्रिसैंथेमम सीरीज़ की 17th वीडियो पे, जो कि इस सीरीज़ का सेकेंड लास्ट वीडियो है। मतलब कि नेक्स्ट वीक इसका लास्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीक सीरीज़ एंड होगा। उसके पहले कितना कितना फलवार खिले हैं और कितना कितना कलर अवेलेबल है वो हम लोग देख लेंगे। और बाकी दो या तीन प्लांट में अभी तक फ्लावर खिलना बाकी है, शायद नेक्स्ट वीक में उसका कलर भी हम लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो में अपलोड करूँगा आप लोगों के साथ। लेकिन दोस्तों, मुझे इतना सपोर्ट मिला इस सीरीज़ के दौरान, मैं नेक्स्ट ईयर भी इसके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा नया साल में। उसका नाम होगा क्रिसैंथेमम मिशन 1000। मतलब के 1000 फ्लावर चाहिए, इस तरह प्लांट हम लोग तैयार करेंगे, एकदम कटिंग से स्टार्ट करेंगे। आप लोग 12 इंच का पॉट रेडी रखिएगा, सूखा हुआ मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, जो भी सामान आप लोग देख चुके हैं इस सीरीज़ में क्या क्या ज़रूरत है, आप लोग अप्रैल के पहले ही वो सब रेडी रखिएगा। हम लोग एक दूसरा सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किए कि मुझे गार्डन के ऊपर ब्लॉग लिखना चाहिए, लेकिन ब्लॉग राइटिंग में मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास जो भी है मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ अपने सीरीज़ के दौरान, अपने वीडियो के दौरान। अगर आप लोग मेरे वीडियो देख चुके हैं तो आपको शायद अंदाज़ा होगा, लेकिन ब्लॉगिंग लिखने में मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इतना सारा रिक्वेस्ट आ रहा है कि ब्लॉगिंग लिखने के लिए, मैं अगर फ्यूचर में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसके बारे में मैं ज़रूर सोचूंगा। दोस्तों, जो लोग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और मेरा हर वीडियो आप लोग देखते हैं, आप लोगों से मुझे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे ब्लॉग लिखने के बारे में क्या करना चाहिए, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, मेरा वीडियो देख के क्या ऐसा लगता है कि मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। अगर आपको जो भी लगे आप लिखिए, आपके कमेंट के ऊपर मैं फ्यूचर में डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है। दोस्तों, तकरीबन सभी में फूल आ चुके और कुछ कुछ तो कॉमन वैरायटी है, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल मुझे मिला है इस बार। जैसे कि ये एकदम नया वैरायटी है, देखिए बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर है, बहुत बिग साइज़ है कंपेयर टू अदर्स। इसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी होता है मैंने सुना है, और मैं इसको नेक्स्ट ईयर में इसको सेव करूँगा ताकि नेक्स्ट ईयर भी इसका कटिंग में बना सकता हूँ। दोस्तों, 2 हफ्ता पहले से मैंने इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना बंद कर दिए थे, क्योंकि क्रिसैंथेमम का जब ब्लूमिंग स्टार्ट होगा तो आपको कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करना नहीं चाहिए, ओनली पानी दे के रखिए। और बाकी का जो डिटेल्स है मैं ऑलरेडी पिछले सीरीज़ वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी सिर्फ देखना है मुझे क्या क्या फ्लावर मिले हैं। हालांकि सभी में अच्छे फ्लावर हुए हैं, लेकिन जो 12 इंच के पॉट में 2 प्लांट में लगाया था उसमें बहुत सारे फ्लावर खिले हैं दोस्तों। और जो 8 इंच का पॉट है उसमें भी खिले हैं, जो पीछे रखा हुआ है उसमें कम है, लेकिन 12 इंच का में उसका प्लांट का साइज़ और उसका नंबर ऑफ फ्लावर भी बहुत अच्छे हुए हैं। और नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग और भी थोड़ा आगे से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, तो हमें लगता है कि 1000 फ्लावर मिलना एकदम इजी हो जाएगा। इस बार भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अनुसार मैं कुछ कुछ चीज़ों को चेंज करूँगा, जो आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट ईयर का जो सीरीज़ होगा उसके साथ शेयर करूँगा। तो 1000 फ्लावर हम लोग इजी से ग्रो कर सकते हैं इन्हें सिंगल प्लांट। जैसे कि मेरा एक दूसरा प्लांट है जो कि 12 इंच के पॉट में है, देखिए इसमें इतना बड्स है, 600 से ज़्यादा होगा बड्स। हालांकि सभी अभी तक खिले नहीं ठीक से, लेकिन 7 दिन के अंदर नेक्स्ट वीक में जो लास्ट अपडेट होगा उसमें इसमें सब फ्लावर खिल जाएंगे। एक परफेक्ट साइज़ है क्रिसैंथेमम का। हालांकि इस बार हम लोग बहुत लेट स्टार्ट किए थे, जुलाई के एंड में स्टार्ट किए थे, जुलाई से ये सीरीज़ चल रहा है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट ईयर इसको अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर 2 महीने का और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो अगर इसमें हम लोग और भी 2 या 3 पिंचिंग ज़्यादा कर पाएंगे तो इसमें 1000 से ज़्यादा फ्लावर आएंगे, इसका गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। दोस्तों, एक बात आप याद रखिएगा कि क्रिसैंथेमम चाहे आपका पॉट जितना ही बड़ा क्यों ना हो, 12 इंच का हो या 6 इंच का हो या 8 इंच का हो, हर पॉट में एक ही प्लांट लगाना है। अगर आप 2 प्लांट लगाएंगे तो आपका एक भी प्लांट अच्छा नहीं
दिखेगा और कभी भी इस तरह का प्रोफेशनल लुक में नहीं आएगा। दोस्तों आप पहले ही देख चुके हैं कि जब फूल खिलना स्टार्ट हुए थे तो उस दौरान से मैं इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना बंद कर दिए थे, लेकिन आपको सिर्फ पानी देना है। याद रखिएगा किसी भी टाइम प्लांट को मुरझाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह पानी दिया और शाम को सूख गया वो प्लांट मुरझा गया। तो आपको वाटर ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन प्लांट ऐसा सूख ना जाए ऐसा भी आप कंडीशन पे नहीं आना चाहिए। मतलब कि वाटर आपको रेगुलरली देना है, क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा है, बहुत बुशी है। कुछ कुछ प्लांट उसमें क्या होता है वाटर ज़्यादा लगता है, क्योंकि पत्ता ज़्यादा होने के कारण वाटर पत्ते से निकल जाता है। इसलिए आपको कंटिन्यूस सुबह शाम पानी देना है आपके प्लांट के साइज़ के अनुसार। अभी सिर्फ देखते जाना है दोस्तों, नेक्स्ट वीक शायद और जो दूसरा दो तीन प्लांट बाकी है फूल देना, उसमें भी फ्लावर खिलने लगेंगे। तो नेक्स्ट वीक इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा, आप लोग साथ में रहिएगा। मेरा दूसरा वीडियो चल रहा है विंटर गार्डन सीरीज़, उसको भी फॉलो कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे।